बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 2 क्लास का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। आप अपनी बुक ओपन कर लें और बुक का पेज नंबर है 5। इस पे हम ये हेडिंग रीड करेंगे। उन्होंने दिया है मुफरिद हरूफे तहजी। हरूफे तहजी यानी कि अलग अलग जोन से हैं, उनको अलग अलग से उन्होंने बयान किया है। इसकी हेडिंग दी गई है, दिए गए हरूफे तहजी पर पेंसिल फेरिए और कापी में दुरुस्त बनावट से नकल कीजिए। बुनियादी मुसव्वतों अलीफ वाओ छोटिए बड़िए पर दायरा बनाइए। अब हम इन्हें अलग अलग देखते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे राइट किया इन्हें। सबसे पहले है बे का ख़ानदान। बे यानी कि जो बे की शक्ल के और हरूफ हैं उन्होंने एक ही ख़ानदान में इन्हें लिखा है। फर्स्ट है बे पे ते टे से। आप देख सकते हैं कि इन सारे हरूफ की शक्लें सेम है, यानी कि एक जैसी हैं। नेक्स्ट है जीम का ख़ानदान। अब जैसे जीम राइट किया जाता है वैसे ही चे हे खे। अब इन सब हरूफ की भी शक्लें सेम है, यानी कि एक जैसी हैं। तो ये कौन सा ख़ानदान है? जीम का ख़ानदान। नेक्स्ट है दाल का ख़ानदान। अब दाल दाल जाल ये तीनों हरूफ सेम शक्ल के हैं, एक जैसी शक्ल के हैं, तो ये दाल के ख़ानदान में शामिल होंगे। नेक्स्ट है रे का ख़ानदान। फर्स्ट वर्ड है रे अड़े जे से, तो ये चारों हरूफ रे के ख़ानदान में शामिल होंगे। नेक्स्ट है जोड़े, यानी कि जो दो दो हरूफ इकट्ठे राइट होते हैं, जैसे सीन शीन, स्वाद ज़्वाद, त्वा तोए जोए, आइन गैन फे काफ, काफ गाप, यानी कि इनको दो दो इकट्ठे इकट्ठे वर्ड हैं, ये दो ये दो ये दो ये दो ये, तो इनको हम क्या कहेंगे? जोड़े। अब हरूफ तहजी में कुछ हरूफ ऐसे भी हैं जो अलग अलग होते हैं, उनके जोड़े नहीं होते और ना ही उनकी शक्लें सेम होती हैं। फर्स्ट वर्ड है लाम मीम नून वाओ हे अलिफ छोटिए बड़िए। अब उन्होंने इधर कहा था बुनियादी मुसव्वतों अलिफ वाओ छोटिए और बड़िए पर आपने दायरा बनाना है। तो ये सबसे लास्ट वाली जो लाइन है, सेकंड लास्ट, इस पे आपने इधर देखना है मुसव्वते कौन कौन से, अपनी पेंसिल लेनी है और इन मुसव्वतों पर आपने दायरा बनाना है। अलिफ ये रहा, वाओ ये रहा, छोटिए ये रही और बड़िए ये, इन मुसव्वतों पर आपने दायरे बना देने। नेक्स्ट है मरकब हरूफ तहजी, यानी कि हेकी बानी वाले हरूफ, इनके ऊपर ऊपर आपने राइट करने हैं कि इनकी शक्ल कैसे बनती है, इनको भी आपने ट्रेस कर लेना है। नेक्स्ट पेज आपने ओपन करना है, पेज नंबर 6। अब ये जो हरूफ उन्होंने हाईलाइट किए हुए हैं, दाल डाल जाल रे अड़े जे से वाओ और अलिफ, ये सारे जो हरूफ हैं इन्हें शरारती हरूफ कहते हैं और ये तादाद में 9 होते हैं, 9। उन्होंने इधर लिखा भी हुआ है हम 9 शरारती हरूफ हैं, हम अपने बाद आने वाले हरूफ से नहीं मिलते, इसलिए मरकब हरूफ में भी अलग ही रहते हैं। अब हम इन्हें राइट करके देख लेते हैं ये कि अलग और यानी कि ये बाद में आएंगे तो ये कैसे लिखे जाएंगे, शुरू में आएंगे तो कैसे लिखे जाएंगे। अब ये देखें, जैसे दाल है ये जब शुरू में लिखा जाएगा तो ये दिन, तो इसके साथ ये मिला के नहीं लिखा जाता लेकिन ये अलग ही रहता है। अगर हम जो वो रे लिखते हैं, हमने ये वर्ड लिखा रेल, अब ये भी इसके साथ मिला नहीं लेकिन सिर्फ ये अलग से ही रहा। ऐसे ये सारे जो शरारती हरूफ हैं वो अलग से लिखे जाते हैं, उनके साथ मिलते नहीं हैं, लेकिन जब ये हरूफ लफ्ज़ के आखिर में आते हैं तो ये उनके साथ मिल जाते हैं। जैसे हम दाल को हरूफ के आखिर में लिखें तो बे आइन दा, तो ये इसके साथ मिल गया है, इधर अलग है और इधर मिल गया है। अब जैसे हम रे को अगर हम वर्ड के एंड में लिखें, अड़े लिख लो जो भी, या जे लिख लो, तो हम इसे वर्ड के एंड में लिखें तेज, तो इधर भी ये साथ उसके मिल गया है, अलग से नहीं लिखा गया। जब एंड में लिखेंगे तो साथ मिला के लिखेंगे, जब शुरू में लिखेंगे तो ये अलग लिखे जाएंगे। अब नेक्स्ट उन्होंने कहा है लिखिए, ये जो वर्ड लिखे हुए हैं इनको आपने बिल्कुल इसी तरह आगे राइट करना है, अलिफ ज़बर बे अब इसी के ऊपर आपने राइट करना है, दाल पेश मीम दुम ऐसे ही, दुम इधर राइट करना है, ये भी ऐसे ही और ये वाला भी ऐसे। नेक्स्ट है मिलाइए, इन हरूफ को मिला के लिखना है, जैसे आप 1 क्लास में भी पढ़ चुके हैं प्लस लगा हुआ होता है तो हमने दोनों हरूफ को मिलाना होता है, बे ज़बर सीन
बस इसके ऊपर भी आपने ट्रेस करना है। ये भी ऐसे लिखेंगे सीन प्लस बे, सब मैं इधर राइट कर देती हूँ। सीन प्लस बे, तो ये इन दोनों को हम मिलाएंगे, सीन जबर बे सब आपने बुक पे राइट कर लेना है, सब बन जाएगा। नेक्स्ट हरूफ है लाम, और उससे नेक्स्ट है काफ, हे की बानी, इन दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या वर्ड बनेगा, लाम की आधी शक्ल काफ हे की बानी, ये वर्ड बनेगा लिख। नेक्स्ट वर्ड है काफ हे की बानी के ऊपर पेच लगाई है उन्होंने प्लस लाम, तो इन्हें हम मिला के लिखेंगे काफ हे की बानी, वैसे आ जाएगा, और इसके साथ हम ऐसे लाम को मिला देंगे तो ये फुल वर्ड बन जाएगा। इसके नीचे ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है गिनती लिखिए, उन्होंने ऊपर उर्दू में राइट की हुई है, अब हम उन्होंने इधर डिजिट्स में भी दिए हुए हैं, इनके आगे हमने राइट करनी है। इधर उन्होंने एक लिखा है तो उधर हम उर्दू में देखेंगे एक कैसे लिखते हैं, दो लिखा है, सॉरी इधर को लाइन जाएगी, दो लिखा है तो उर्दू में दो ऐसे लिखते हैं, तीन, यानी कि तरतीब से लिखी हुई है, इनको आपने ढूंढ के इधर से इधर ये कंप्लीट कर लेना है, तो ये आप लोगों का क्लास वर्क होगा, बुक पे हो जाएगा जो आपने ये सारा, ये भी और ये भी। नेक्स्ट जी, तो ये हमारा इधर तक कंप्लीट हो गया, हम आगे बनाएंगे, उन्होंने लफ्ज़ बनाइए लिखा हुआ है, लफ्ज़ बनाइए, ये हमने वन क्लास में भी पढ़े थे, इनको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको बना के दिखा देती हूँ कि इन्हें कैसे बनाना है आप लोगों ने, और ये जो वर्ड हम बनाएंगे इनका आपने होमवर्क करना है कॉलम बना के, जैसे मैं इधर कॉलम बनाऊंगी आप भी लाइंस लगा के ऐसे ही कॉलम बना लीजिएगा। सबसे पहले इधर आएगा अल्फाज, जौन से अल्फाज उन्होंने दिए हैं वो इसके नीचे आ जाएंगे, और किस किस के साथ हमने लफ्ज़ बनाने हैं, एक अलिफ के साथ, नेक्स्ट बाओ के साथ, छोटी ये के साथ, बड़ी ये के साथ, तो आप इधर अगर आप लाइंस लगाएंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा, ये कॉलम बन जाएगा प्रॉपर। इधर लाइन आप लगाना चाहें तो नहीं, ये आपका होमवर्क, जैसे आपने रेडी करके राइट करना है वैसे करवा रही हूँ। फर्स्ट वर्ड उन्होंने लिखा है जाग, अब गौर से देखिएगा कि ये वर्ड नेक्स्ट अलिफ के साथ हमने कैसे बनाना है, ये यहां से चेंज होगा, जीम अलिफ जा वैसे आ जाएगा, गाफ अलिफ गा, तो ये क्या वर्ड बना, जागा। अब इसी का हमने इस वर्ड को देखते हुए अगला वर्ड बनाना है, इसी को देखना है, जीम अलिफ जा गाफ की आधी शक्ल आएगी और इसके साथ हम वाव राइट कर देंगे जागो। अब इसी वर्ड को देखना है और छोटी ये के साथ वर्ड बनाना है, जी मलिफ जा गाफ की आधी शक्ल और इसके साथ छोटी ये जागी। नेक्स्ट इसी वर्ड को देखेंगे और बड़ी ये के साथ वर्ड बनाएंगे, जी मलिफ जा गाफ की आधी शक्ल और इसी के साथ हम बड़ी ये राइट कर देंगे। अगला वर्ड उन्होंने दिया है काट, काफ अलिफ का टे काट, अब अलिफ के साथ हम बनाएंगे काफ अलिफ का टे की आधी शक्ल इसके साथ अलिफ, तो काटा। नेक्स्ट काट को देखने है और वाव के साथ वर्ड बनाना है इसका, काफ अलिफ का टे की आधी शक्ल वाव काटो। नेक्स्ट छोड़िए के साथ बनाएंगे काफ अलिफ का टे की आधी शक्ल छोटिए काटी। नेक्स्ट फिर बड़िए के साथ बनाएंगे काफ अलिफ का टे की आधी शक्ल और इसके साथ बड़िए का टे। ये उन्होंने इतना दिया है, ये आपने कंप्लीट कर लेना है और ये होमवर्क में भी आप करेंगे। नेक्स्ट है मरकब हरूफ, हेकिबानी के अल्फाज पर दायरे बनाइए और उन अल्फाज को अपनी कॉपी में खुश खत लिखिए। अब इसमें आपने पेंसिल ले लेनी, लेड पेंसिल आपके पास होनी चाहिए, जिन जिन में हेकिबानी आ रही है उसमें आपने दायरा बनाना है। फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है आज, इसमें हेकिबानी नहीं है, काली इसमें नहीं है। नेक्स्ट है खाना, तो खाने में हेकिबानी इस पर आप दायरा बनाएंगे, बोलो इस पर नहीं है, अहमद इसमें भी नहीं है हेकिबानी। नेक्स्ट है लिखो,
तो आप लिखो पे दायरा बनाएंगे, लिखो। नेक्स्ट है घोड़ा, इसमें भी हेकीबानी आ रही है, घोड़े पे दायरा बनाएंगे। नेक्स्ट है पढ़ा, इसमें हेकीबानी आ रही है तो इस पर हम दायरा बना देंगे। चाबी, इसमें हेकीबानी नहीं है, वो और से देखना आपने। हाथी, इसमें हेकीबानी है, इस पर हम दायरा बना देंगे। पेंसिल, इसमें हेकीबानी नहीं है। मज़ा, इसमें भी नहीं है। स्कूल, इसमें भी नहीं है। धोबी, तो धोबी पे हम दायरा बना देंगे, इसमें है। नेक्स्ट है खीरा, खीरे में हेकीबानी है, इसमें हम दायरा बना देंगे। खेल, खेल में है, इसमें बना देंगे। किताब, किताब में हेकीबानी नहीं है। नेक्स्ट है फल, तो फल पे हम बना देंगे क्योंकि इसमें हेकीबानी है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है जुमले दुरुस्त कीजिए, हमने देखना है उन्होंने तरतीब गलत दी हुई है, हमने इसकी तरतीब सेट करके प्रॉपर जुमला बनाना है। इधर मैं आपको राइट करके बता देती हूँ, ये तीन जुमले दिए हुए हैं तो आपने इधर राइट कर लेने हैं बुक पे। गौर से देखना है आपने, जुमले दुरुस्त कीजिए। हाँ जी, फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट जुमला है मज़ा आया, इसके आगे उन्होंने कतमा की लामत दी है, बहुत आज। मैं आगे लाइन लगा के इसका दूसरा सेंटेंस लिख रही हूँ, आप देखें, मज़ा आया बहुत आज, तो यहाँ से आएगा आज बहुत मज़ा आया, आज बहुत मज़ा आया, ये सेंटेंस दुरुस्त हो गया। नेक्स्ट है नानी घर के था, खत्मा की अलामत लगाई है उन्होंने, गया मैं। अब इसका हम दूसरा सेंटेंस बनाएंगे, इधर से आएगा मैं नानी के घर गया था। और आपने ख्याल रखना है कि सेंटेंस जहाँ पे आपका एंड होगा, खत्मा की अलामत आपने लाजमी लगानी। नेक्स्ट सेंटेंस है थर्ड वाला है कल स्कूल छुट्टी की। अब हम इसे सेंटेंस को दुरुस्त करेंगे, ये आएगा कल, यहाँ से कल स्कूल की छुट्टी है, तो इसके एंड पे भी क्या आएगा, खत्मा, क्योंकि हमारा सेंटेंस ख़त्म हो गया। तो जी बच्चों, आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। इसको अभी आपने होमवर्क में करना है, ये वाला टॉपिक मुसव्वतों से अल्फाज बनाइए, ये आप होमवर्क करेंगे, और जुमले दुरुस्त कीजिए ये होमवर्क करेंगे। बाकी जो आपको करवाया है वो आपने बुक पे ही करना है, तो ये आपने कंप्लीट कर लेना है। और जब आप होमवर्क कर लेंगे तो उसकी एक टिक बना के आपने स्कूल के नंबर पे व्हाट्सअप कर देनी है, और उस पर हम फिर आपको रिमार्क्स देंगे। मिल देंगे अपने अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।